प्लीज दोस्तों अपने संस्कार कोचिंग एकेडमी में अब जो कि कोरोना वायरस के चलते हुए कुछ क्लासे हैं जो स्थगित कर दी गई है और ऑनलाइन क्लास लाई जा रही है, तो आप इनको लाइव क्लास के माध्यम से घर पे स्टडी करें और अच्छी तैयारी करें। जैसे कि आज अपन ने विषय हिंदी लिया है राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का, उसमें मैं आपको 13 व 14 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो इससे क्या है आपको कुछ बेनिफिट होगा, यह इजी क्वेश्चन है। तो आप इनके माध्यम से घर पे जो ओल्ड पेपर वगैरह जो आपके पास बुक है उससे तैयारी करें। जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग एक तिहाई शब्दों में लिखिए, यानी एक आपको पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें जो गद्यांश यानी पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें एक तिहाई शब्दों में अपने को लिखना है। तो पहला टॉपिक डालना है अपने को शीर्षक में, जिसमें तुलसीदास जी की बात की गई है या तुलसीदास जी की महत्ता बताई गई है या फिर कभी सूरदास जी के बारे में बताया गया है, तो उनके बारे में जो पैराग्राफ दिया है उसमें किसके बारे में बात की गई है उनका नाम लिखना है शीर्षक में। तो पहला पॉइंट अपना शीर्षक पहले होता है, फिर दो नंबर पॉइंट डालना है सार का, तो सार में जो अपने को दिया हुआ है पैराग्राफ उसी का लगभग एक तिहाई शब्दों में सार लिखना है। तो जो पैराग्राफ दिया उसमें से कुछ मेन लाइनें हैं, इजी लाइनें, उसी अकॉर्डिंग आप जैसे वो सार है उसी में से कुछ लाइनें हूबहू वापस उतार देना, जो पैराग्राफ है उसकी एक तिहाई लाइनें उतारनी है, फिर अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला एग्जामिनर अपने को 5 में से 5 नंबर दे देगा। ये हो गया अपने पहले प्रश्न की बात, गद्यांश का सार लगभग एक तिहाई शब्दों में। फिर अपना दूसरा प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 14 पत्र लेखन, इसमें क्या है अपने को पत्र लिखना है, तो पत्र में अपने को ये 5 नंबर आएगा। तो ये भी व्यावसायिक पत्र में कार्यालय पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक व्यवसायिक पत्र एक कार्यालय पत्र। व्यवसायिक पत्र वो पत्र होते हैं जिनमें अपने जैसे कोई बिजनेस के बारे में बातें होती है, जैसे कोई प्रतिष्ठान है बुक का या कोई और जैसे किराना वगैरह, उन प्रतिष्ठानों की बात होती है, व्यवसाय में काम धंधे की बातें। ये कार्यालय पत्र होते हैं, ऑफिस वगैरह होते हैं जिनमें अपन कार्यालय संबंधित कोई बात होती है तो वो कार्यालय पत्र के माध्यम से करेंगे।